जैसे मेमने को बचाने के लिए गए थे ठीक वैसे जाना चाहते हो। तब मैंने आप लोगों को बिना पता जाने की गलती की थी, लेकिन इस बार मैं आप दोनों की आज्ञा लेकर ही जाना चाहता हूँ। अगर आप मना करेंगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हमें यीशु की इस यात्रा में उसका सहायक बने रहना है। मुझे इस बात की चिंता सबसे अधिक हो रही है कि अगर रब्बी गुरुजी को पता चल गया कि वो वर्जित क्षेत्र की गुफा में गया है, पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन हमारा बेटा परमेश्वर की संतान है। आज पहली बार उसे स्वर्ग में विराजमान पिता से संदेश मिला है, तो क्या हमें उसे उस गुफा में जाने से रोकना चाहिए? क्या बात है, आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए? वही हो रहा है मेरी, जिस बात का मुझे डर था। यीशु के परम पिता अब उसे खुद रास्ता दिखा रहे हैं। अब मेरा उसके जीवन में क्या उद्देश्य है, मेरी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इस संसार में यीशु ने जब पहली बार आंखें खोली थी तो पिता के रूप में उसने आपको देखा था ना। और आज भी हमारा बेटा आप ही को पिता मानता है, तो क्या हुआ अगर परमेश्वर ने हमारे बेटे को सीधा संदेश दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका हाथ छोड़ देगा। पता है क्यों? क्योंकि आप उसकी हिम्मत है, प्रेरणा है और आदर्श भी। हो सकता आने वाले समय में यीशु को मेरी कोई जरूरत ना हो, पर आज माता पिता होने के नाते हमें उसका साथ देना चाहिए। यीशु को हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी। चले, बेटा हम दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि तुम वहां उस गुफा में जा सकते हो, लेकिन तुम्हें हम दोनों से एक वादा करना होगा। वहां जाकर तुम अपना बहुत ख्याल रखोगे। मुझे वहां जाने का रास्ता नहीं पता, क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे पिताजी? जरूर बेटा, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जी प्रभु, समझ गया, सब समझ गया प्रभु। प्रभु आपका आदेश सर आंखों पर। जी प्रभु। अरे सुना, तुम लोगों ने सुना, मैंने खिलौने वाले को गांव से बाहर भिजवाकर जो पूरे गांव को कोढ़ के श्राप से मुक्त किया है ना, उसके लिए मुझे मुझे ईश्वर ने संदेश दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझसे बहुत खुश है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आज के बाद खिलौने वाले के घर पर मेरा अधिकार रहेगा। प्रभु
लेकिन मन्नू का क्या होगा गुरुजी? वो बेचारा कहाँ रहेगा? भूलो मत, भूलो मत, वो एक कोड़ी का बेटा है और उसके बेटे का भविष्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। प्रभु ने मुझे उसका घर इसलिए दिया है कि मैं प्रभु की पहले से बेहतर तरीके से सेवा कर सकूं। हैं, समझ में आया? समझ में आया ना बेटा? प्रभु ने खुद दिया है मुझे। अनर्थ हो गया गुरुजी, मैंने अभी अभी यीशु और उनके पिता को कोड़ियों की गुफा की तरफ जाते हुए देखा। गुरुजी, ये तो अच्छी बात नहीं है। उनका वहां जाना उन दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है। हमें अभी जाकर उन्हें रोकना होगा। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जाने दो उन्हें। अरे, ईश्वर जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। जरा सोचो, एक स्वस्थ इंसान कोड़ियों की गुफा में क्यों जाएगा? बेचारा यीशु और उसका पिता। आप सही कह रहे हो गुरुजी, ये बात हमारे दिमाग में आई ही नहीं। हमें उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। सब प्रभु की माया है, एक नहीं अब दो दो घर पर रब्बी का साया है। क्या हुआ बेटा, थक गए? नहीं, मैं थका नहीं हूँ पिताजी, लेकिन इसके आके मुझे अकेले ही जाना होगा। आप यहाँ से घर लौट जाइए। बेटा, तुम जिस जगह जाना चाहते हो वो जगह ठीक नहीं है। वो एक आम दुनिया जैसी नहीं है। मेरा मतलब है कि बेटा, वो अलग दुनिया है। जगह चाहे अलग हो, लेकिन लोग और लोगों के मन की भावना तो एक जैसी होगी ना पिताजी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें औषधि से ज्यादा किसी के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। परमपिता परमेश्वर ने मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा है। ये मेरा काम है पिताजी, और मैं इसे खुद ही करूँगा। आप निश्चिंत होकर घर लौट जाइए। ठीक है बेटा, तुम अकेले जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, पर अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाओ।
मुझे भी दो, एक तो दे दो, बहुत जोर से भूख लगी। दो छोटा सा बच्चा है। ये कैसा भयानक और दर्दनाक दृश्य है परमपिता, कितनी पीड़ा, कितना दुख और कितनी निराशा है इन सब के अंदर। जैसे जिंदा रहने की चाह खत्म हो गई हो। मैं इनके अंदर की चटपटाहट को महसूस कर पा रहा हूँ। ये परमपिता परमेश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पूरी निष्ठा के साथ इन सब की सेवा कर सकूं, इन्हें इनकी सारी तकलीफों से मुक्ति दिला सकूं, इनके भीतर फिर से जिंदा रहने की आशा लगा सकूं और इनके जीवन की खोई हुई सारी खुशियां वापस लौटा सकूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, लो खाना खा लो। विश्वास करो, जो कोई भी मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा। डरो मत, लो खाना खा लो।
आप ही जरा धीरे बोलिए, बड़ी मुश्किल से उसके आंसू रुके हैं। आप ही अगर गलती से भी उसने आपकी बातें सुन ली ना, तो उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। मुझसे ज्यादा तो उस कोढ़ी के बेटे की कदर है इस घर में। एक काम करती हूँ, मैं ही अपने मुंह पे ताला लगा लेती हूँ। मैं पूछती हूँ, आखिर उसको इस घर में लाने की जरूरत क्या थी? भाभी जरा सोचिए, उसे उसके पापा से दूर कर दिया गया है, ऐसे में वो अकेला बेचारा कहाँ रहेगा बताइए? मन्नू, जल्दी बाहर आओ। क्या काम है आपको मन्नू से? हम मन्नू को अपने साथ ले जाने आए हैं, वो भी अपने बीमार पिता के साथ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी दूषित हो गया होगा। ए मन्नू, चल हमारे साथ। मन्नू कहीं नहीं जाएगा। बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ। जाओ बेटा। मनमानी की भी हद होती है, पहले तो उसे उठाकर घर में ले आई और अब उसे जाने से मना कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे को घर में उठाकर लाने से, उसे अपना मान लेने से सम्राट दरबार में बुलाकर तुम्हें सम्मानित करेंगे? भाभी, मन्नू ऐरा गैरा नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम्हारा खून का रिश्ता है मन्नू से? भले ही मेरा उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, पर इंसानियत का तो है, और इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर वाला रिश्ता होता है। मैं मन्नू को अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो भी उस वक्त जब उसके साथ अपना कोई नहीं है। रब्बी गुरुजी ने हमें मन्नू को अपने साथ लाने का आदेश दिया है, उनका आदेश ठुकराकर अच्छा नहीं कर रही हैं आप। अगर ऐसी ही बात है तो मैं आप लोगों के साथ चलकर खुद रब्बी गुरुजी से बात करूंगी। चलिए। हो ना हो, घुमा फिराकर सारी मुसीबत की जड़ ये यीशु ही है। ना तो यीशु इस मन्नू से दोस्ती करता और ना ये मैरी इस मन्नू को लाके हमारे सर पे बिठाती। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? मित्र? वो क्या होता है? मित्र वो होता है जैसे हम अपने मन की कोई भी बात खुलकर कह सकते हैं, उसके साथ हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं और खेल सकते हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे हमें खुशियाँ मिलती है। अब बताओ, तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा मित्र जरूर बनूंगा। मेरा नाम यीशु है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोड़ी है। क्या क्या कहा तुमने? इस गुफा में सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। जब मैं 3 साल का था तब मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पे आया था, और सब मुझे ठीक से याद नहीं है। सब लोग कहते हैं कि गुफा में आने के कुछ ही दिन बाद बाबा चल बसे थे, तब से लेकर आज तक सब लोग मुझे कोड़ी कहकर बुलाते हैं। तुम भी मुझे इस नाम से बुला सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें इस नाम से नहीं पुकारूंगा, क्योंकि माँ कहती है कि नाम में हमारी पहचान जुड़ी होती है, और ये नाम तुम्हारी पहचान कभी नहीं बन सकती। तुम याद करने की कोशिश करो कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें किस नाम से बुलाते थे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर याद आएगा, तब तक मैं तुम्हें मित्र कहके बुलाऊंगा, ठीक है? यीशु, यीशु।
मंदिर का ख्याल रखना यीशु।